क्या हाल चाल है? हाल ठीक नहीं है, क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है आज तो। इधर अच्छा, मंजे पे देखो तो सोट हो गए हैं। चलिए फिर ये रेस्ट। ओके गाइस, यहाँ पर भी मटर देख सकते हो। आय हाय, कितने अच्छे मटर लगे हैं। और अभी मैं क्या करें, करना पड़ता है। जब घर वाले बीमार हो तो करना पड़ता है। ओके गाइस, तो देख सकते हो सुबह मम्मी जी के क्या हाल थे। और अभी देख सकते हो यहाँ पे सिलाई हो रही है सूट की। अभी कैसी हालत है मम्मी जी? ठीक अभी थोड़ा ठीक हूँ, हो? कैसे हो ठीक? दवाई खाई है अभी तक, दवाई का असर है। तो रेस्ट करना था, होता नहीं हाँ, रेस्ट आपसे? क्यों, नहीं रेस्ट जिंदगी में कभी किया ही नहीं। तो अभी कर लो। जब जब जान में बहुत ही कष्ट आ रहा तब करती हूँ, ऐसे तो नहीं करती। क्यों, रीजन बताओ ना लोगों को। रीजन, लोगों को रीजन चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको तो सारा पता ही है, इतनी गरीबी है, फिर इतने सारे काम करने पड़ते हैं, तभी जाके गुजारा होता है ना। ऐसे बैठ बैठ के कैसे गुजारा होगा? अगर अच्छा ऐसे बैठे रहोगे तब तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अच्छा फिर थोड़े कपड़े भी खुद ही सिल लेती हूँ अपने, उतने अच्छे तो नहीं सिलती, फिर भी गुजारा जैसा कर लेती हूँ। वैसे कहाँ के लिए सिला जा रहा है सूट? ये देरघाट जातर के लिए देरघाट जातर जी, कब है? अब है 19-20 को। अच्छा, आपने जाना है देरघाट जातर को? हाँ जी बिल्कुल जाना इस है। बार लगाएंगे लंगर? वो पानी का हाँ, बिल्कुल लगाएंगे। और क्या क्या तैयारियां हैं? पंडित जी को बुलाकर हवन वगैरह करवाना है इस बार। हाँ, सो गाइस, अभी मैं ना डंगरों के साथ आया हुआ हूँ। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी, देख सकते हो मौसम ख़राब एकदम। और यहाँ पे बारिश हुई है और अभी बस डंगरों के साथ हूँ, क्योंकि घर से भी बाहर कहीं जा नहीं पा रहा और घर में बैठा हूँ, क्योंकि घर वाले बीमार, मम्मी बीमार है, तो फिर बाहर भी क्या करेंगे जा करके, तो बस डंगरों के साथ ही हूँ। अभी गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होना शुरू हो गई है। बारिश जैसे आई और एकदम से ठंडा माहौल हो गया। अब तो जैसे जैसे खेतों का काम भी आता है फिर ठंड भी होती जाती है। और अब सितंबर महीना है तो ठंड तो बढ़नी है यहाँ पे धीरे धीरे। अभी ठंड बढ़ना स्टार्ट हो गई है। अभी देख सकते हो हुडी लगाई है, शर्ट लगाई है, उसके ऊपर एक और हुडी लगाई है, तो ठंड है। और हमारे डंगर भी सिकुड़ चुके हैं। एक बैल हमारा बीमार है, उसको हमने घर में ही रखा हुआ है, बाकी उसका भी इलाज चल रहा है, तो उसकी हालत थोड़ी ख़राब है। एंड गाइस, यहाँ पे आज दाल बन रही है और मम्मी जी देख सकते हो आज क्या हो रहा है। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हो रहा है? फिर से दर्द हो रहा है। अच्छा, हाँ करो वाला, क्या हुआ है? साइड थोड़ी फूल गई है आपकी। ओके गाइस, तो आज तो ज़्यादा ही दर्द हो रहा है कुछ, ये हवा के कारण हो जाता है। जब दांत निकला है और फिर निकाला भी काट करके है, तो हवा लगती है, जिसको हवा लगना बोलते हैं, वो हवा लग गई है, तो बुरा हाल हो रहा है। अब वो तो दर्द तो इनको ही पता होगा कि क्या हो रहा है। करने में भी काम कैसे कर पा रहे हो? क्या करें, खाना तो बनाना पड़ेगा, बाकी तो काम कर ही रहा है। शशि, वो कौन है? शशि शाह मेरा बेटा। वो तो करना पड़ता है, फिर क्या करना। सोचा खाना मैं बना देती हूँ, मेरे हाथ का बना हुआ खाना शशि को अच्छा लगता है। वो तो बात है, खुद का मैं खुद बनाता नहीं, चंबा हुआ तो खुद नहीं बनाता। कभी ऐसे ही कुरकुरा खा लेता हूँ, कभी ऐसे ही छोटा मोटा खा लेता हूँ, कभी किसी दूसरे के रूम में जाकर ही खा लेता हूँ, कभी कभी मामू जी के यहाँ खा लेता हूँ, खिचड़ी बना लेता हूँ, बस वही अच्छी लगती है मेरे को, तो खिचड़ी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी तो अब घर आया है तो अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खिला दी तुझे, चलो मुझे खुद भी अच्छा लगता है। अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ आगे? कल तो छिंज है, छिंज में जाना है क्या? पता नहीं अब आप जाना। चलो देखेंगे, छिंज भी दिखा के लाएंगे आपको। पड़ोसी यहाँ पे जब साथ नहीं है, कोई साथी होगा तो जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर भी देखेंगे। छिंज में वैसे कुछ दिखाने लायक होता नहीं है,
बट फिर भी दिखाएंगे जितना कर हो पाएगा। बाकी चावल बन चुके हैं, चावल तो बन चुके हैं, दाल भी बन चुकी है, तड़का लग रहा है। गाइस पूजा वगैरह करके के आ गए हैं और मम्मी जी का फेस फिर से उतरा हुआ है। मम्मी जी को दांत में दर्द हो रही थी इसलिए दांत निकलवा दिया कि दर्द सही हो जाए, अब उससे डबल दर्द हो रही है, क्या किया जाए। अब देख सकते हो हलवा खाना पड़ रहा है इनको, वो भी नमकीन हलवा, वो भी पानी डाला इसमें, देख सकते हो तड़के की जगह पानी डाला ये तो कुछ और बन गया। मेरे पेट में भी काफी ज्यादा गड़बड़ हो रही है। ओके गाइस तो खाना वगैरह खा लिया है, मम्मी जी जा चुके हैं यहाँ से और अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आजकल तो डंगरों के साथ और काम वगैरह बस यही करना पड़ता है, पड़ रहा है और करना चाहिए भी, क्योंकि समझ सकते हो ना, घर का काम करना चाहिए, जब घर वाले बीमार हो तब भी करना चाहिए और जब ठीक हो तब भी करना चाहिए। तो हम तो करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं और अब भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, चाहे जहाँ पहुँच जाएँ, जितने बड़े यूट्यूबर क्यों ना बन जाएँ। बाकी कल हम जाएंगे छिंज मेला है, वहाँ पे जाएंगे शायद। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।